गाइस इट्स मी अनसेट, आई एम बैक विद द अनदर वीडियो। तो गाइस अगर आप लोग इंडिया के अंदर यूज करते हो ओप्पो रेनो 7 प्रो डिवाइस, तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से इस डिवाइस के अंदर ऐप लॉक को इनेबल कर सकते हो। और ये जो ऐप लॉक है ऐसा वैसा नहीं, आपको काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का ऐप लॉक इनेबल करके बताऊंगा। और आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर इस वीडियो में अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। करते हैं हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है प्ले स्टोर के अंदर एंड सर्च करना है ऐप लॉक फिंगरप्रिंट। जैसी ये एप्लीकेशन आ जाएगी आपको सिंपली इसको यहाँ पे डाउनलोड करना है एंड ये जो एप्लीकेशन है डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी। देन इसको आपको सिंपली यहाँ से ओपन करना है। देन ओपन करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि क्रिएट अ मास्टर पिन, तो आपको यहाँ पे एक मास्टर पिन बना लेनी है। लाइक मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बना देता हूँ एंड ये आपसे फिर से कन्फर्म करने को पूछेगा। तो आप लोग इसको यहाँ से कन्फर्म कर सकते हो। देन इसको डन आप लोगों को जैसे ही करना है और आप लोगों की यहाँ पे एक मास्टर पिन बन जाएगी और ये जो ऐप है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलता है, ठीक है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे एक मास्टर पिन बना दोगे ये आपसे पूछेगा देयर आर अ रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट, डू यू वॉन्ट टू लॉक एप्स विद द फिंगरप्रिंट। तो आप लोग यहाँ पे येस कर सकते हो या फिर नो भी कर सकते हो। तो मैंने पहले से ही फिंगरप्रिंट यहाँ पे ऐड कर रखी है तो मैं इसको येस कर देता हूँ। तो इसको येस करते ही इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ऊपर सेटिंग्स मिलेंगी, सेटिंग्स ऐप लॉक स्क्रीन, तो आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इसके अंदर जाना है। देन इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो लाइक जैसे मैं व्हाट्सएप के ऊपर अपना फिंगरप्रिंट लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। व्हाट्सएप, यूट्यूब, मैं आपको यूट्यूब के अंदर करके दिखाता हूँ। अगर आपको मैनुअली एक एक के अंदर नहीं करना, आप लोग चाहते हो हर एक एप्लीकेशन के अंदर फिंगरप्रिंट मांगे, तो आपको ऊपर साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहां पे टर्न ऑन का, ये वाला है ना। तो आप लोग इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके सारे के सारे इनको एक साथ ही ऑन कर सकते हो। बट एक साथ ऑन करने का कोई पर्पस नहीं है, आपको जो इसेंशियल एप्लीकेशंस लगे उन्हीं के अंदर आप लोग इनेबल करो। तो इसको मैं यहाँ पे बैक करता हूँ एंड हम लोग जाते हैं स्क्रीन के अंदर। और स्क्रीन के अंदर आप लोग स्क्रीन कंट्रोल्स को भी ऐड कर सकते हो जो कि आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और अभी यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको सेटिंग्स के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे आप लोगों को सिस्टम लॉक, स्मार्ट लॉक सेटिंग्स एंड बाकी सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। पासवर्ड एंड सेटिंग के अंदर आपको ये सब पूछेगा और आपको यहाँ पे ऊपर आपको आइरिस स्कैन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फेस और आइरिस का, तो आप लोग इसको अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे बैक करता हूँ और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो फिंगरप्रिंट है और आपका ऐप लॉक है। जब अगर मैं आपको यूट्यूब यहाँ से ओपन करके दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। फिंगरप्रिंट के थ्रू मैं काफ़ी ईजिली इसको अनलॉक कर सकता हूँ अगर मैं इसको फिर से करूँ तो। आप लोग अगर फिर यहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट से नहीं अनलॉक करना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ टैप करना एंड आपकी जो पिन है वो भी आ जाएगी और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। एंड यहाँ से आप लोग अपनी पिन को भी डाल के काफी इजीली अनलॉक कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। आप लोग इसको यूज करो एंड आप लोगों के डिवाइस में काफी अच्छा ऐप लॉक, काफी स्टेबल इनेबल हो जाएगा।